तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम में, जब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे न्यूक्लियस के आसपास, उसके पास कुल मिला के दो एनर्जीज हैं, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर है। एम वी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी? एम वी स्क्वायर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था, आर से आर काट दो, क्या बचेगा? एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर आ गया। इस एम वी स्क्वायर को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल आ गई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक? बन जाएगी काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटोन है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रॉन इंटू प्रोटोन बाय आर। पोटेंशियल में नेगेटिव साइन पुट करना होता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में सीखा हमने। तो ये आपके पास काइनेटिक है, ये आपके पास पोटेंशियल है, तो टोटल एनर्जी क्या आएगी? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक है, पोटेंशियल है, इन्हें ऐड करके क्या आएगी? टोटल एनर्जी आएगी। टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया। तुम अगर ध्यान से देखो, ये आपके पास काइनेटिक है ई बाई टू आर, ये आपके पास टोटल है ई इंटू ई बाई टू आर विद नेगेटिव साइन। केमिस्ट्री में किया भी होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? और ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा, टोटल एनर्जी क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक के सम के इक्वल है, और क्योंकि टोटल नेगेटिव ऑफ काइनेटिक है, काइनेटिक काइनेटिक को ऐड कर दो, तो ये ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को मिलता है। याद नहीं करना, पेपर में देखेंगे, पर ऐसे करना है। या ऐसा आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल और काइनेटिक के इक्वल है, काइनेटिक माइनस टोटल है, टोटल टोटल ऐड होके टू टोटल इज इक्वल टू पोटेंशियल, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तब की तब देखेंगे, लेकिन करना कैसे है ये आपको तरीका बता रहा हूँ। इन दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अब जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या आया? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई बाई टू आर। लेकिन रेडियस थोड़ी देर पहले हमने निकाला हुआ है, वो बड़ा सा रेडियस निकाला था, इस बड़े से रेडियस को यहाँ पे पुट करके या जाएगा। इसके अंदर अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई e h n को छोड़ के, और मेरा आंसर क्या आएगा? -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सही है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखने में बहुत बढ़िया है। तुमने बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं, और कम से कम अगर 125 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनमें से मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चनों में तो यही यूज होता है। मतलब इतना आसान पेपर आएगा आपको, आप केमिस्ट्री की नॉलेज से भी सॉल्व कर पाएंगे कुछ क्वेश्चंस। तो ये आपका एनर्जी किसकी है? हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की है। तो क्लियर है यहाँ तक? 13.6 की जो वैल्यू है, कई बुक्स ऐसे लिखती हैं, आर एच और सी। आर का मतलब है रेडबर्ग कांस्टेंट, एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो कई बुक्स ऐसे लिखती हैं एनर्जी का फॉर्मूला, कई ऐसे लिखती हैं। मैं इसलिए ऐसे करवा रहा हूं क्योंकि हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ही ऐसे गिवन हो आर एच सी। तो आर एच सी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा? 13.6। मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप आर एच सी को कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन अपर शेल से लोअर शेल में गिरता है, अपर शेल में एनर्जी ई आई है, लोअर में एनर्जी ई एफ है, तो वो फ्रिक्वेंसी जो बाहर निकलेगी वो एच एन टू न्यू हो जाएगी, एनर्जी एच न्यू है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 बाई n i² पर -13.6 की जगह आर एच सी। फाइनल में क्या आएगा? -RHc बाई n f², तो यहाँ से कॉमन निकाल के ये टर्म आएगी। अब एच न्यू क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लैमडा, एच सी से एच सी कैंसल, 1 बाई लैमडा पे भरे पड़े हैं एनसीईआरटी और मेन्स और नीट के क्वेश्चन, 1 बाई लैमडा पे। ऐसा ही है, पी वाई क्यू के अंदर देखे होंगे आपने, बहुत आते हैं इस पर। ठीक है, तो ये वेवलेंथ है जब आपकी ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की हायर शेल टू लोअर शेल। क्लियर है यहाँ तक? तो याद करना है फॉर्मूला। नेक्स्ट है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का एक चक्कर का डिस्टेंस 2πr अपॉन एक जो वेलोसिटी है उसकी वी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो जो आएगा आएगा, वो तो पता नहीं, पर ये पक्का आएगा पेपर में। जो रेडियस है वो n² के प्रोपोर्शनल होता है, और जो वेलोसिटी है 1/n के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनैलिटी में क्या आएगा? टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एन का क्यूब। चेक कर लेना पी वाई क्यू जिन्होंने किए हैं, ऐसा क्वेश्चन पक्का मिलेगा n³ के ऊपर। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आएंगी, तो ये रिजल्ट याद रखना है।
वैल्यू ऑफ आर एच सी 13.6 बता दिया, आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट है 1 × 10⁻⁷ है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को क्या बोलते हैं वेव नंबर सी 1/लैम्डा ये पता है, एन का मतलब है क्वांटम नंबर ऑफ हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन दी ट्रांजिशन, तो मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन एनथ शेल से नीचे गिर रहा है तो कितनी ट्रांजिशंस करेगा, एन एन टू एन माइनस 1/2, केमिस्ट्री ने ये भी आपको बता रखा है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो बोहर मॉडल कैसे काम कर रहा है क्लियर है।